आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजमेर शरीफ दरगाह में जो उर्स के मौके पर जारी नखवाजा आ रहे हैं उन लोगों के लिए रुकने के लिए फ्री कैंप का इंतजाम कहां पे करा जा रहा है, फ्री में मुसाफिर खाना कहां पर है। तो चलो चलते हैं, पूरी जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं तो आप लोग कैसे यहां पे जा सकते हो। पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ चल रहा है। ये पूरा वजू खाना यहाँ पर बनाया गया है, ये देख सकते हो एक साथ यहाँ पर लोग किस तरीके से वजू कर सकते हैं। और ये सामने मस्जिद है, सामने मस्जिद बनाई जाती है और यहाँ पर खासी तादाद में ज़रीन ख्वाजा नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखो ये पूरा काम चल रहा है यहाँ पे विश्राम स्थल में, लोग बना रहे हैं, देखिए तंबू बना रहे हैं ज़रीनों के लिए। और इस बार भी उसमें काफ़ी चहल पहल हो गई है, ज़रीन ख्वाजा आना शुरू हो चुके हैं। देखिए क्यों, ये आ गए मेहमान। सलाम वालेकुम, कहाँ से आप लोग आए? प्रतापगढ़ यूपी से आए हो? तो मतलब हर साल आते हो आप लोग? तो यहाँ पर मतलब सारी चीज़ की सुविधा मिल जाती है, यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप वगैरह भी लगता है। ये देखिए ये पूरी दुकान अभी लगना शुरू हो गई है। देखिए जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कितना ज़रीन ख्वाजा आता है एक साथ? एट अ टाइम 1 लाख कह सकते हो आप, 1 से 1.5 लाख आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग में रहे कि आज मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ कायड विश्राम स्थली, जहाँ पर मस्तान मलंग लोग रास्ते से गुजरते भी हैं और कई जो ज़रीन ख्वाजा जो आते हैं तो कायड विश्राम स्थली में रुकते हैं। तो वहाँ पे कैसा इंतजाम है, क्या हो रहा है, तो चलो चलते हैं, पूरी जानकारी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर आपको रास्ते में एक दरगाह शरीफ दिखेगी, जो छत वाले बाबा की दरगाह, यहाँ पर आप जरत करते हुए जा सकते हो। और हम जा रहे हैं कायड विश्राम स्थली, कैसा माहौल है वो पूरा आप लोगों को बताएंगे। तो आप देख सकते हो मैं विश्राम स्थल की तरफ जा रहा था, यहाँ पर रास्ते में एक दरगाह शरीफ हमें मिली है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, काफ़ी ज़रीन आए हुए हैं माशाल्लाह यहाँ पर और तैयारी हो रही है क्योंकि मस्तान मलंग लोग आने वाले, तो उनका यहाँ पे स्वागत होता है। ये देखिए यहाँ पे मस्तान मलंग लोगों का स्वागत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लंगर का भी इंतजाम हुआ है, माशाल्लाह क्या बात है। तो देखिए हमारे अजमेर के भी आवाम बैठी हुई है, माशाल्लाह लंगर चल रहा है। तो मतलब ये कि इंतजाम हो रहा है यहाँ पर अपना बाबा मलंगों के लिए, सही है सही है माशाल्लाह। देख सकते हैं मस्जिद दरगाह शरीफ, यह दरगाह शरीफ है, यहाँ रास्ते में आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप लोग ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं। देखिए ये केरला से लोग आए हुए हैं, दरगाह शरीफ है, आपको ज़ियारत करवाते हैं। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत पुरानी दरगाह शरीफ है। देखिए यहाँ पे दरगाह शरीफ है, यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोगों को अगर मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं कायड विश्राम स्थली जा रहा था, तो रास्ते में हमारे को एक दरगाह शरीफ नज़र आई, तो हमने सोचा कि यहाँ के बारे में क्यों ना बताया जाए। रोशन अली दरवेश की बारगाह है ये। तो यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ के मुकामी लोग भी हैं अजमेर शरीफ के, तो इन्हीं से जानकारी लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा हजरत की ये दरबार शरीफ किनका है और इनकी क्या करामत है? ये हजरत पीर शहीद रोशन अली शाह दरवेश, जो हुजूर गरीब नाथ के साथ 800 साल पहले जी से अजमेर शरीफ को फतेह करने के लिए आए थे जी, आपको यही शहीद किया गया जी और आपका मदार अल-कसर यही बनाया गया जी। और एक चिल्ला कशी जो इन्होंने काला घर पे भी की थी जी, वहाँ भी आपका मकान है रोशन अली शाह दरवेश की बारगाह जी। तो यहाँ का ये वाक्या मिलता है, तो मतलब ये मैं देख रहा हूँ। हाँ यहाँ जो जत्ता मेहरौली शरीफ से चला है जी 18 तारीख को, तो वो जत्ता आज शाम को यहाँ पर पहुँचेगा। मलंगों का जो गरीब नाथ की छड़ी, अच्छा, जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियारी रहमतुल्लाह सरकार की रस्म है जी, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी अव्वल खलीफा है आपके गरीब जी, जी, उस छड़ी को लेकर आया करते थे, वही रस्म आज भी कायम है और इंशाल्लाह कयामत तक कायम रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जत्ता आज रात को यहाँ रुकेगा जी और कल सुबह जो उस्मानी चिल्ले पे जाएंगे, उस्मानी चिल्ले पे 29 तारीख हो जाएगी रमजान की जी, 29 तारीख को जोहर की नमाज के वास्ते छड़ी लेकर चलेंगे जी, हुजूर गरीब नाथ के आस्थाने पे रोशनी के वक्त जाके उसको पेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लंगर आम भी जारी है, तो ये किन के जानिब से करवाया गया लंगर आम? पहले तो महफिल मिलाद पड़ी गई जी, हमारे अन्नू भाई हैं जी रसूलपुरा में रहते हैं जी जी, इनकी मनोकामना इनकी अल्लाह ताला तमाम मुरादें पूरी करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन मन्नत करते हैं। तो ये लंगर आम पहले महफिल मिलाद हुई जी, फिर उसके बाद ये लंगर आम किया गया जी, ये इनकी तरफ से कम 15-16 साल से होता चला आ रहा है और इंशाल्लाह जारी रहेगा।
बेशक सुभानअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे क्या मन्नत मुरादें आप लोगों ने मांगी जो कि यहाँ से पूरी हुई? जी हमने तो जो भी मांगा यहाँ से तो मतलब सभी मन्नतें पूरी होती है जी, चाहे वो औलाद से हो जी, चाहे धंधे रोजगार से हो जी, चाहे घर मकान से हो जी, चाहे कोई भी ऐसा काम होता है, जो भी हम यहाँ से मन्नत मांगते हैं जी वो बेशक अल्लाह की दुआओं से पूरी होती है, बुजुर्गों की दुआओं से और अल्लाह के करम से सब पूरी होती है। ठीक है, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अनवर है जी। कहाँ से आए आप? रसूलपुरा से, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद नईम अरमानी। तो आप देख सकते हो हम लोग कायर विश्राम स्थल पे पहुंच चुके हैं हाईवे में, जो कि अजमेर शरीफ से मात्र 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आपको टेम्पू बस वगैरह मिल जाती है, कई दरगाह कमेटी की तरफ से फ्री बस भी सेवा चालू होती है। वो कब चालू होगी तो पूरा वो आप लोगों को माहौल अलग से दिखाऊंगा। अभी अंदर क्या क्या तैयारी हो रही है वो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटें लगना शुरू हो चुकी है, क्यों जारी ने ख्वाजा आएंगे यहीं से गुजरेंगे तो लाइटें लगाना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हो कार्ड में बहुत सारे तादाद में कैंप वगैरह लगना शुरू हो चुके हैं और कितने सारे मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। आप देख सकते हो यहाँ पे बस वगैरह सब आएंगे अभी। तो अभी कैसा क्या माहौल है पूरा आप लोगों को चलते हैं, पूरा पास से दिखाते हैं और कोई यहाँ का जो बंदा होगा मुकामी बंदा होगा उससे जानकारी करके आप लोगों को बताऊँगा मैं। तो आप देख सकते हो गरीब नवाज मेहमान खाना हम लोग पहुँच चुके हैं 13 नंबर गेट पे, है ना। आप देख सकते हो 13 नंबर गेट मेहमान खाना गरीब नवाज हम पहुंच चुके हैं। अब दिखाते हैं अंदर माहौल कैसा है पूरा। देखो तैयारी हो रही है, देखिए पूरी तैयारी हो रही है, जगह जगह यहाँ तंबू लगना शुरू हो गए, टेंट बना रहे घर घर। तो आप देख सकते हो हम लोग कार विश्राम स्थल आ चुके हैं, यहाँ पे तैयारी हो रही है, पूरे कैंप लग रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो टेंट लग रहे हैं, जो जारी ने ख्वाजा यहाँ पर आते हैं वो रुकने के लिए पूरा इंतजाम करा जा रहा है विश्राम स्थल में। ये देखिए ये पूरी झुग्गी बना रहे हैं, देखिए किस तरीके की बन रही है, देखिए इसमें रहने के लिए पूरा इंतजाम करा जाता है जारी ने ख्वाजा के लिए, क्योंकि ज़्यादा तादाद में जारी आते तो यहीं रुकते हैं। तैयारी चल रही है उसकी उर्स मेले की, क्या बात है। तो ये पूरा कितने कब तक तैयार हो जाएगा ये पूरा? कल तक पूरा जाएगा, कल तक हो जाएगा। तो पब्लिक आना शुरू कब हो जाएगी यहाँ पे? जुमराज से शुरू हो जाएगी, फुल भीड़ हो जाएगी। अच्छा परसों तक फुल भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, है ना। अच्छा अच्छा हो जाएगी, दुकानें लगना भी शुरू हो गई होंगी। हाँ ये यात्री के लिए अपने, मेहमानों के लिए, दुकानों के लिए उधर है वो। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, चलो मतलब तैयारी हो रही है कुल मिला के। क्या नाम होगा आपका? हमीद भाई। हमीद भाई, तो मस्जिद भी बन के तैयार हो गई है, मस्जिद बनाएंगे? अच्छा यहाँ मस्जिद बन गई। और यहाँ पर और क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या बनता है यहाँ पे हर साल? मतलब ये है कि वो जो वो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें कोई चार्ज नहीं है? इसमें चार्ज नहीं है, है ना, यात्री के लिए अपने, वो यात्री के लिए फ्री है। ये देखिए सामने लेडीज लोगों के लिए भी गुसल खाना लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है गुसल खाना जनाना, पानी पीने का, पानी का भी ये देख सकते हो एक नंबर है यहाँ पे, ये भी है पूरा। हाँ पूरा सुविधा है यहाँ पर, आप देख सकते हो विश्राम स्थल ये फ्री में, यहाँ पर रहने के लिए भी कैंप वहाँ पर है, देख सकते हो ये बिल्डिंग जो बनी इसमें फ्री में रह सकते हैं, बाकी इसका थोड़ा चार्ज लगता है, सेपरेट बना जाता है इसलिए। तो ये देखो ये पूरे काम चल रहा है यहाँ पे विश्राम स्थल में, लोग बना रहे हैं, देखिए तंबू बना रहे हैं जारीनों के लिए। और यहाँ पे तंबू आना तंबू क्या यहाँ पर जारी ने ख्वाजा आना शुरू हो चुके, देखिए मेहमान, ये देखिए मेहमान आना शुरू हो गए, ये देखिए ये आ गए मेहमान। सलाम वालेकुम, कहाँ से आप लोग आए? प्रतापगढ़ यूपी से आए हो? तो मतलब हर साल आते हो आप लोग? तो अच्छा हर साल आते हैं, तो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर मतलब सारी चीज़ की सुविधा मिल जाती है? चलिए बहुत बढ़िया माशाल्लाह, तो मतलब पूरा उर्स करके जाएंगे 10 दिन के लिए? ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारी चाची बता रही कि हम कितने साल से आ रहे चाची यहाँ पे? 8 बार हो गया, यानी 8 साल से आते हुए लगातार हो गया, पहले बस से आते थे, तीसरा पीढ़ी है। अरे बाबा क्या बात है, सही है। तो मतलब पहले बस से आए थे पर इस बार ट्रेन से आए? चलो अच्छा, मतलब ये कि गरीब नवाज के उर्स में आना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, खाने पीने का भी सब इंतजाम लेके आए होंगे तुम लोग यहाँ? चलिए बढ़िया, खुद खाना बनाएंगे, खुद खाएंगे और उर्स मेला में जाएंगे, सही है। ये देख सकते हो यहाँ पे लोग अपने अपने बसें ऑटो करके ट्रेनों से, जो जारी ने ख्वाजा दरगाह के पास में जैसे 10,000, 15,000, 20,000 का रूम मिलता है वो नहीं ले पाते, फ्री में जगह मिल जाती है रहने के लिए तो उनके लिए काम हो जाता है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो कर करके आए हुए हैं यहाँ पे जारी ने ख्वाजा। देखिए आपको पता है मैं दरबार का मैसेज पहुँचाता रहूँगा इंशाल्लाह। गरीब नवाज द्वार पर हम लोग आ चुके हैं और इस बार भी उसमें काफ़ी चहल पहल हो गई है, जारी ने ख्वाजा आना शुरू हो चुके हैं, देख सकते हो।
तो जो जा रहे हैं ना अजमेर दरगाह के पास में रूम नहीं ले पाते क्योंकि रूम की रेट वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर आकर के। तो आप देख सकते हो जारीन ख्वाजा आना शुरू हो चुकी है, जारीन ख्वाजा की आमद स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह दरगाह शरीफ से। ये देखिए उसके मौके पे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइक वगैरह भी लग गया है कि कोई अगर गुम हो जाता है या कोई कहीं चल जाता है या किसी को काम होता है तो माइक से अलर्ट्स यहाँ पर करते हैं। जारीन ख्वाजा जो आए हुए हैं उसके मौके पर वो लोग जा रहे हैं अपने अपने रूम पर या फिर जहाँ पर मुसाफिर खाना होगा तो वहाँ पर जा कर के रुकेंगे। ये देखिए जारीन ख्वाजा की आमद स्टार्ट हो चुकी है, हाँ माशाल्लाह अभी शुरुआत ही हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नहाने वगैरह का भी पूरा इंतजाम, बहुत बड़ा इंतजाम होता है। यह मस्जिद है, ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी आलीशान मस्जिद है, यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी बनाई गई। ये देखें यहाँ पर भी काम चल रहा है, ये पूरा वजू खाना यहाँ पर बनाया गया है। ये देख सकते हो एक साथ यहाँ पर लोग किस तरीके से वजू कर सकते हैं, उसके लिए पूरा यहाँ पर इंतजाम करा जाता है हर साल की तरह। इस साल भी अजमेर दरगाह का जैसे उर्स स्टार्ट होता है वैसे यहाँ पर पूरा इंतजाम करा जाता है और वजू करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये सामने मस्जिद है, सामने मस्जिद बनाई जाती है और यहाँ पर खासी तादाद में जारीन ख्वाजा नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये देखिए और ये आप लोग देख सकते हैं सामने टंकी है, ये पेशाब घर है, टॉयलेट है, यहाँ पर पूरा इंतजाम रहता है। ये सामने देखिए लिखा है मस्जिद सामने है, ये देखे हाँ वहाँ पर पीछे। ये देखें यहाँ पर पीने का पानी भी बनाया गया है, यहाँ पर पीने पानी का इंतजाम करा गया है और सामने बिल्डिंग में रहने का इंतजाम है। ये देखिए दुकानें लगना शुरू हो गई हैं, देखिए कार विश्राम स्थल में दुकानें लगना शुरू हो गई हैं। देखिए यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप वगैरह भी लगता है, ये देखिए अभी पूरी जानकारी लेंगे, अभी आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर माहौल, ये देखिए पानी की टंकी कितनी बड़ी बनी हुई है, ये पूरी दुकान है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जारीन ख्वाजा के लिए सहूलियत के लिए पूरा पे यहाँ पे इंतजाम करा जाता है। कार विश्राम स्थली का माहौल देखिए आप, ये देखिए ये पूरी दुकानें अभी लगना शुरू हो गई है। देखिए अभी जैसी दुकानें लगना शुरू हो जाएंगी फिर आपको पूरा बताएंगे। देखिए पूरा दुकानों की तैयारी हो रही है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी दुकानें का इंतजाम हो रहा है, दुकानें लगना शुरू हो गई है। कार विश्राम स्थली का माहौल ये देखिए, पूरी सजावट होना शुरू हो गई है अजमेर शरीफ कार विश्राम स्थली। और एक चीज़ इस बार अपनों को नया देखने को मिला कि इस बार दुकान एक कलर की सारी, मतलब पहले अलग अलग कलर की पन्नी वगैरह तिरपाल वगैरह लगती थी पर इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर नहाने वगैरह का ये पूरा ऊपर रहने का इंतजाम करा गया। ये देखिए यहाँ पर भी मुसाफिर खाना बना हुआ है, ये भी देखिए मुसाफिर खाना रहने के लिए लोगों का इंतजाम करा जाता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मेहमान आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे थोड़ा झूले वगैरह भी लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगेंगे झूला वगैरह भी, थोड़े बहुत झूला वगैरह लगेंगे जब मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और ये देखिए ये आ गए, कैसा माहौल इस बार, अच्छा है? तो मतलब कब आप लोग कब आए थे यहाँ पर? कल आए थे, मतलब धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट होगी अब, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। मतलब कहाँ से आए चाचा आप? हमारे प्रतापगढ़ से। अच्छा प्रतापगढ़ वाले तो बहुत आए माशाल्लाह, यूपी वाले बहुत आते हैं ना? सही है सही है। इस बार मेला का माहौल कैसा दिख रहा है बाबा? सही है, मतलब ये कि पब्लिक आने का अनुमान है, बढ़िया सही है। आप लोग कब आए थे? कल परसों आए थे। अरे बाप रे, तुम तो काफ़ी दिन से हो, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे रहने वहने का थोड़ी ना कोई चार्ज लगता है, फ्री है। चलो मतलब जारीन ख्वाजा के लिए ये सहूलत का काम है। हाँ अच्छा, ये जितने भी बड़े बड़े ये बने हुए हैं ये बड़े बड़े, ये सब मुसाफिर लोगों के लिए है, मतलब इसे क्या कहते हैं मुसाफिर खाना। और जो अलग से पर्सनल कोई घुमटी बनवाता है तो उसका पैसा लगता होगा उसका पर। तुम टेंट वाले से बात करोगे कितने दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए लगवाओगे तो उसका पैसा लगेगा। इसका ये सब फ्री है। चलिए बढ़िया। कहाँ से हैं बाबा अपन? बरेली शरीफ से। अरे वाह, कितने साल से आ रहे हो चाचा अजमेर शरीफ आप? मैं 46 से। मतलब काफी लंबा सफर हो गया आपका, यानी 10-12 साल तो 10-12 बार तो आ गए आराम से आप? 8 साल तो इसमें हो गए लगा दो। अच्छा दुकान भी लगाते हैं आप? चलो बढ़िया है चाचा, दुकान भी लगाते हैं। खाना वाना पका आप ही लोग पकाते हैं यहाँ पे? मतलब खुद पकाओ खुद खाओ, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया है,
हाँ सही है। आप कहाँ से है बाबा? कहाँ से? कानपुर से। अच्छा कानपुर वाले है बाबा, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। तो देखिए बाबा बता रहे हैं कि भाई यहाँ रहने वहने का पूरा सुविधा करा जाता है, बहुत बढ़िया इंतजाम रहता है। ये देखिए ज़ारीन ख्वाजा के लिए, ये देखिए पूरा मुसाफिर खाना है यहाँ पे। ज़ारीन ख्वाजा यहाँ पे आके रुक गए हैं, थोड़ा थोड़ा रुकना शुरू हो गए है, अभी पूरा खाली पड़ा है। और अभी ऊपर जाके दिखाते हैं। ये चीज़ अच्छा करा इन्होंने यहाँ पर कि कपड़ा लगा दिया गया हरा हरा, क्योंकि इससे धूप अंदर ना है ना, धूप से बचाने के लिए सही करा। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाते हैं और ऊपर कैसा क्या माहौल है ऊपर भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत प्यारा मंजर है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे चाची लोग भी बैठे हुए हैं और अरे वाह ये देखिए यहाँ पर भी दूसरी मंजिल में हम लोग आ गए। ज़ारीन ख्वाजा यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और ये वाला जो है ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह पैसा वगैरह नहीं लगता है। ज़ारीन ख्वाजा के रहने के लिए पूरा यहाँ पे फ्री इंतजाम करा जाता है इस मुसाफिर खाने में, देख सकते हो आप पूरा खाली पड़ा है अभी, आप आके यहाँ रुक सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर ये आ गए हम लोग चौथी मंजिल पे, इससे ज़्यादा ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर भी इंतजाम करा गया, नीचे पर्दे लगाए गए हैं, ये बहुत अच्छा काम करा गया यहाँ पर ताकि धूप नहीं अंदर आवे, सही है ना चाची? हाँ। इस बार कैसा इंतजाम है? अच्छा है। अच्छा इंतजाम अच्छा, है बहुत अच्छा। मतलब दरगाह कमेटी के जाने से जो काम होता है ये पूरा बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, काय हवा नहीं आएगा, ठंडा का मौसम है। हाँ ठंडी का मौसम है तो कपड़ा से जो घेराव है ना इससे हवा नहीं अंदर आएगा। सही है सही है, बहुत बढ़िया काम कर दिया मतलब। तो इस बार उसको लेकर के कैसी इच्छा है आप लोगों की, उत्साह कैसी है, मतलब चाहत या कुछ एक्साइटेडपन? हम लोग को तो चाहत बहुत अच्छा है बाबू, हम लोग हर साल यहाँ आते हैं ख्वाजा का दरबार में। क्या बात है माशाल्लाह, मतलब हाँ। गरीब नवाज बुलाते हैं और आप आते हैं? हम आते हैं। कहाँ से आए दादी आप? कलकत्ता से। अरे दादा कोलकाता वाला है? हाँ। ठीक है। हर साल जब लॉकडाउन गिरा था ना हाँ। उस टाइम में भी हमको 3 टिकट मिल गया था, आ गया था। अरे वाह माशाल्लाह क्या बात है, वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सही बात है। तो अभी किससे आए, बस से आए और ट्रेन से? ट्रेन से आए। अच्छा एक बात बताओ, एक बहुत बात है कि जैसे मैं देखता हूँ दरगाह बाजार में होटल वगैरह रूम वगैरह मिलता है, वहाँ क्यों नहीं रुकते आप लोग? नहीं हम लोग का गरीब आदमी है बाबू, तो ऐसा थोड़ा मुसाफिर खाने में फ्री में रुकने को मिलता है दरगाह की तरफ से? दरगाह की तरफ से हमको बहुत आराम है ना, बहुत आराम है। हम आते हैं आज, हम 35 साल से आ रहे हैं। अरे वाह माशाल्लाह, तो रहने का खाना मतलब रहने बहुत, का बहुत, लंगर का खाने वाने का सब इंतजाम है? अच्छा इंतजाम है यहाँ। अच्छा मतलब जो लोग, आप ये मैसेज देना चाहते हो जो लोग वहाँ पे रुक नहीं सकते महंगे महंगे होटल के रूम का पैसा दे के, तो वो यहाँ रुक सकता है? हाँ। यहाँ पे लंगर वगैरह का भी व्यवस्था होती है? हाँ। और नहाने धोने का पानी की सब व्यवस्था है ना? बहुत आराम, बहुत। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया दादी ने काफी अच्छा मैसेज दिया, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। देखिए ये पूरा दिखा दिया, पूरा माहौल दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बड़े बड़े दिखे, यहाँ पे पूरा कैंप कितने खूबसूरत खूबसूरत लगे हैं, ये पूरा मुसाफिर खाना बना हुआ है। ये देखिए अभी यहाँ के जो बड़े दरगाह कमेटी के कोई मेंबर होंगे उनसे थोड़ी हम बात करेंगे और उनसे बात करके आपको बताएंगे। जो ज़ारीन ख्वाजा उधर नहीं रुक पाते, ज़्यादा महंगा महंगा रूम वगैरह मिलता है तो नहीं ले पाते, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर इंतजाम हर साल करा जाता है। और अभी पूरी जानकारी और भी करके आप लोगों को बताएंगे। देखिए और ये जो जगह आप खाली पूरी देख रहे हो ना, ये पूरा नीचे 4 मंजिल का बना हुआ, 3 से 4 मंजिल का, ये पूरा बुक हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है, ये जगह बिल्कुल भी नहीं बचती। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखिए विश्राम स्थली कार स्थल है ये, जिसका पूरा इंतजाम हो रहा है यहाँ पर रुकने का ज़ारीन ख्वाजा के लिए। और यहाँ पर पूरा मार्केट मेला वगैरह लग जाता है ना, यहाँ मेला लग जाता है पूरा, कि यहाँ पर जो ज़ारीन ख्वाजा आ रहे हैं उनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, सब चीज़ मिल जाए, सारी चीज़ की सुविधा। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बाजू में बना हुआ ये छोटा मुसाफिर खाना है ना भाई? अच्छा ये देखिए ये छोटा मुसाफिर खाना बाजू में बना हुआ है और बड़ा मुसाफिर खाना तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। ये देखिए ये पूरा छोटा मुसाफिर खाना, बड़ा मुसाफिर खाना। ये देखिए ज़ारीन ख्वाजा ये देखिए आ रहे हैं और अपना अपना जगह देख करके जहाँ पर जगह मिल जा रही है, वो लोग कैंपों में हो या ऐसे बनाया गया, पूरा सुविधा करा गया उनमें रुकने का कर दिया गया। आप देख सकते हो मैं अजमेर के विश्राम स्थली यानी गरीब नवाज मेहमान खाना पे आ चुका हूँ। तो जहाँ पर हमें मिले हैं फैजान हुसैन भाई जो कि दरगाह कमेटी के एम्प्लॉइन कर्मचारी हैं, तो अब हम इन्हीं से थोड़ी सी जानकारी करेंगे और आपको बताएंगे
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे ये सामने बन रहा है, ये क्या, ये कौन सा एरिया है? ये कहलाते हैं डोम, जिसके अंदर जितने भी मुसाफिर होते हैं उनके रहने का इंतजाम होता है जी। ये तीन डोम है, बाकी डोम ये रहे बड़े वाले। करीब 15 डोम बनते हैं। अच्छा, 15 के लिए। हाँ। और 2 डोम बनते हैं नमाज के लिए जो हम आपको दिखाई देंगे व्हाइट कलर में। अच्छा अच्छा, वो बड़े बड़े जो बने हुए हैं ये। अच्छा, ये जो नमाज के लिए 2 डोम बनते हैं। अच्छा, कितने डोम बनते हैं पूरे? 17 डोम है ये, 15 अच्छा, रहने के, 2 नमाज के। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और ये जो बड़ी बड़ी पक्की इमारतें बनी जैसे यहाँ पर भी बनी हुई है, मुसाफिर खाना है ये? सब मुसाफिर खाना है, बिल्कुल सब में मुसाफिर रहेंगे, सारे ख्वाजा साहब के जायरीन इसमें रहेंगे। अच्छा, सारे ख्वाजा साहब के जायरीन रहेंगे। ये जो बड़ी बिल्डिंग है इसमें, इसके अंदर भी जायरीन ठहरते हैं। फ्लोर पे करीब 1000 आते हैं, 4 फ्लोर की है तो करीब 4000 आते हैं। यहाँ पे कितना जायरीन ख्वाजा आता है एक साथ? 1 लाख कह सकते हो आप, 1 से 1.5 लाख आ जाते हैं। बिल्कुल। ये वाला सेक्शन में देख रहा हूँ हरियाली हो रखी है, काफी शानदार खूबसूरत। ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन ऐसा ही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वॉशरूम का एरिया है ये वाला। अच्छा, बाकी जो दुकानें कटी हैं, हाँ, वो यहाँ पर है। अच्छा, एक बात और ये भी, जो एरिया है ये पूरा प्रशासनिक एरिया है, ये प्रशासन वाला एरिया है पूरा। अच्छा, यहाँ पूरा प्रशासन संभालेगा। यहाँ पे क्या क्या होगा? पुलिस, फायर ब्रिगेड, हाँ, और पोस्ट ऑफिस, जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, एडीए वगैरह, वो सब यहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, और एक मैंने देखा पर्सनल कैंप भी बनाते हैं लोग। पर्सनल कैंप बनाते हैं लोग, तो बनवा के भी हम प्रोवाइड कराते हैं। जब ये डोम फुल हो जाएंगे उसके बाद इसके अंदर रहेंगे। अच्छा, जो डोम में नहीं रहना चाहता, सोशली अकेले रहना चाहता, उनके लिए कैंप से ही कैंप, कोई चार्ज नहीं। अच्छा अच्छा, बिजली पानी सब फ्री। अच्छा, तो यहाँ पे कितने ज्यादा वॉशरूम और कितने नहाने का स्नान घर बने हुए हैं? लगभग 400 वॉशरूम्स हैं। हाँ। और नहाने के लिए महिलाओं के लिए बड़े बाथरूम बने हुए हैं। अच्छा, ये अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से बने हुए हैं, और पुरुषों के लिए बाहर खेलियां बनी हुई हैं इसके अंदर। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब अच्छा, एक चीज़ और भी कि कई जारीन ख्वाजा आ रहे हैं, थोड़ा आने से घबरा भी रहे हैं, क्योंकि एक मैसेज वायरल हो गया ना बहुत ज़्यादा कि भाई अजमेर शरीफ अभी मत जाओ, ट्रेनों में सफ़र मत करो, तुम उसको लेके क्या कहना चाहोगे? देखिए ख्वाजा साहब के अकीदत में हमने जिसको भी ख्वाजा ने बुलाया वो आएगा ज़रूर यहाँ पर, बेशक चाहे कोई भी परेशानी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम, अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। सही है, बिल्कुल शांति का माहौल है यहाँ पे। हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है, बेहतर है। जो मतलब फेक न्यूज वायरल हो रही है वो सब, बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसा ऐसे कुछ भी नहीं है, बहुत शांति का माहौल है, आराम से चल रहा है। और ये सब पुलिस प्रशासन के कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट करके निगरानी में हो रहा है। ठीक है, बहुत बात देख सकते हो, हम लोग 3rd फ्लोर में मौजूद है और यहाँ पे नीले कलर की वो लगाई गई है। यहाँ पे कितना आदमी एक साथ आ जाता है? एक टाइम पे 1000 आदमी आते हैं, 4 फ्लोर है टोटल, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4000 आदमी आते हैं एक टाइम पे। मतलब 4000 आदमी एक साथ यहाँ पे रुक सकते हैं, 1000 और टोटल 4000। तो मतलब किसी चीज की परेशानी नहीं, सब चीज की सुविधा है, परेशानी नहीं है। ठंड को लेके पर्दे भी लगाए गए हैं यहाँ पे, अरे वाह, हर फ्लोर पे लगे हुए हैं, इस बार ठंड को देखते हुए लगाए गए। मैं को सोचा धूप के लिए बचाए गए। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप, पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। ये 4 मंजिल बिल्डिंग है, इसमें मैंने बता दिया, यहाँ पे ये 2 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, ये देख सकते हो। तो आप यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर भी जारीन ख्वाजा काफ़ी रुके हुए हैं तादाद में। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा बिछाया गया है, तो आप देख सकते हो ये पूरा इंतजाम यहाँ पर करा गया है जारीन ख्वाजा के लिए आज यहाँ पर। अरे वाह क्या बात है, फोन ही फोन लगे। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया है, बढ़िया। मतलब तैयारी हो रही है उर्स मेले के लेकर के? हाँ, तैयारी हो रही है। सही है, मतलब यहाँ तो क्या ये सरकारी कैंप पूरा लगता है यहाँ पे। हाँ, प्रशासन का देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, अभी पूरा बन के तैयार हो जाएगा, पूरा आप लोगों को पूरा सही से दिखा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा नहाने के लिए इंतजाम यहाँ पर करा गया है। तो ये 15 नंबर 16 नंबर 13 नंबर, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ये खेलियां बनी हुई हैं। हाँ। ये उनके ऐसा है कि इसमें पानी भर दिया जाता है, वो लोग यहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जिसको जैसा रहता है। हाँ। कपड़े धो लेता है, वो नहा भी लेता है, और महिलाओं के लिए अंदर है जो पूरा। अच्छा। एरिया पैक है। अच्छा, ये महिलाओं के लिए पूरा एरिया, लेडीज लोगों के लिए पैक है, बने हुए यहाँ पे। अच्छा, मतलब चलते चलते बात करेंगे, मतलब ये पूरा एरिया में यहाँ पे पूरा पानी भर दिया जाता है। तो ये दो, मतलब कब से भरना शुरू हो जाएगा ये? ये बस 1 तारीख से, उर्स की 1 तारीख से भरना चालू हो जाएगा, और अंग्रेजी देखा जाए तो 13 जनवरी से चालू हो जाएगा। अच्छा, मतलब पूरा इंतजाम हो रहा है धीरे धीरे करके। सही है, ये माइक देख रहा हूँ मैं, हर जगह बड़े बड़े ये लगे सब अनाउंसमेंट के लिए है, और अजान की आवाज दूर से दूर तक जाए उसके लिए है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर पूरा ये भी इंतजाम करा गया, ठंड को लेकर के खास करके ज्यादा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। आप जैसे तो पूरी तैयारी हो रही है। हाँ, और ये देखिए ये पूरा कैंप बना हुआ है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत। ये देखिए पूरी तैयारी जारीन ख्वाजा के लिए हो रही है पूरा। इसमें जनाब कितना आदमी एक साथ आ सकता है? इसकी कैपेसिटी तो लगभग 1500 है। 1500 आदमी। हाँ,
कंफर्टेबली रहते हैं उसके हिसाब से आ जाते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, 15 में, 15 में जैसे कंफर्टेबली इंसान रहता है उसके हिसाब से आ जाते हैं। सही है, ये सब मुसाफिर खाना। इसका पूरा नाम क्या है रियल में? गरीब नवाज मेहमान खाना कायड। गरीब नवाज मेहमान खाना, मतलब गरीब नवाज के नाम पे पूरा यहाँ पे भी लोगों के लिए सुविधा का काम होता है माशाल्लाह। देखिए नाप वगैरह ले रहे हैं, पूरा नाम वगैरह जो लिखते हैं ये, और पूरा इंतजाम करते हैं, पूरा इंतजाम हो रहा है यहाँ पर देखिए। और ये पूरा जो खाली एरिया बाहर का दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ बाहर पूरी बसें लगेंगी, जो बसें आती हैं बाहर से जारीनों की, वो सारी बसें लगना यहाँ स्टार्ट होगी। 9 किलोमीटर दूरी अजमेर दरगाह। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दें गाइस कि हम लोग गए थे, पूरा आपको इंतजाम दिखा दिया है, तो आप लोग अजमेर शरीफ में आएँ और आकर के विश्राम स्थल भी रह सकते हैं और आप दरगाह के पास भी रह सकते हैं, जिसकी जैसी हैसियत। ये मुसाफिर खाना है, यहाँ पे सब मेहमान जारी ने ख्वाजा फ्री में रहते हैं। पूरी जानकारी कर ली आप लोगों के लिए, इंतजाम हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। तो मिलते रहे शुरू में भाई, अल्लाह हाफिज़।